नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है, 2024 के ये तीनों महीने कैसे बीतेंगे, कौन कौन से ग्रहों का कब राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में केतु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों में। शनि और मंगल अष्टम भाव में जो कि गोचर करते हुए दिख रहे हैं, शनि यहां पर तीनों महीने रहेंगे अष्टम भाव में कुंभ राशि में। मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 23 तारीख को मंगल भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में भाग्य भाव में मंगल रहेंगे जून के महीने तक और 1 जून को अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में आ जाएंगे और यहां पर राजयोग बनाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र जो है उच्च राशि में मीन राशि में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर 24 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद शुक्र भी जो है मेष राशि में अप्रैल के महीने में आ जाएंगे और शुक्र जो है मेष राशि में रहेंगे 19 मई तक और 19 मई के बाद शुक्र जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में शुक्र जो है 12 जून तक रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य जो है 13 तारीख तक मीन राशि में भाग्य भाव में अप्रैल के महीने में रहेंगे, 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में दशम भाव में आ जाएंगे और यहां पर उच्च राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में 14 मई तक रहेंगे, 14 मई को जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे और वृषभ राशि में एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। यहां पर वृषभ राशि में रहेंगे 15 जून तक और 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जून के महीने में मिथुन राशि में जो है 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य के बाद राहु के बारे में बात करें तो राहु आपके तीनों महीने मीन राशि में भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु जो है दशम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर गुरु रहेंगे 1 मई 2024 तक। 1 मई को गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा जो कि लगभग 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और गुरु का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बेहतर है। बुध के बारे में यदि बात करें तो बुध जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, 9 अप्रैल तक बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उसके बाद ये वक्री गति से मीन राशि में आ जाएंगे 9 तारीख को, यहां पर नीच राशि के हो जाएंगे और राहु के साथ जड़त्व दोष भी बनाएंगे तो यहां पर विशेष उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर जो है बुध रहेंगे 10 मई तक और 10 मई को पुनः मेष राशि में आ जाएंगे तो बेहतर स्थिति हो जाएगी। तो यहां पर भी बुध अच्छे परिणाम देंगे 10 मई से 31 मई तक, उसके बाद वृषभ राशि में भी अच्छे परिणाम देंगे और वृषभ राशि में बुध देव 14 जून तक रहेंगे, उसके बाद जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है आपके फेवर में है और आपके क्षेत्रों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अप्रैल के महीने की यदि बात करें तो केतु आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में ही रहेंगे, यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, यात्राएं आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं तीनों महीने में।
अप्रैल मई जून में कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। वही यदि हम बात करें तो यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या लॉयर हैं या कवि हैं तो एक अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे तीनों महीने। वही बात करें शुक्र के बारे में, जो कि शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक है, साथ ही साथ लाभ भाव के मालिक है। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि, और शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी भाग्य भाव में, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति यहां पर रहेगी, क्योंकि कोई भी ग्रह उच्च का जब होता है तो उसके पास पावर होती है। शुक्र भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ दे सकता है, लग्जरीस लाइफ देने का काम करेंगे शुक्रदेव। शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है और 24 अप्रैल तक शुक्र जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो भाग का भी साथ मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर योग है, आप क्रय कर सकते हैं, एक अच्छी स्थिति। 24 अप्रैल को शुक्रदेव आपके दशम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, और अच्छी स्थिति यहां पर हो जाएगी, क्योंकि चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर सकते हो। सुख आपको मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख आपको मिलेगा, लग्जरीस लाइफ देते हैं। नौकरी में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, व्यापार की स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और शुक्रदेव आपके कर्म के क्षेत्र में दशम भाव में 19 मई तक रहेंगे, 19 मई तक एक बेहतर स्थिति रहेगी। उसके बाद शुक्रदेव आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में एकादश भाव में। यहां पर भी शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं का घर है और यहां पर प्रायः सभी अच्छे फल देते हैं ग्रह, तो एक अच्छी स्थिति। शुक्रदेव 12 जून तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपकी मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है, आप भौतिक चीजों का सुख प्राप्त कर सकते हैं, माता से भी प्रसन्नता देखने को मिलेगी, तो यहां पर शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। और यहां पर जो है शुक्रदेव आ जाएंगे 12 जून को मीन राशि में, 12 जून को मीन राशि में आ जाएंगे, तो शुक्रदेव जो है 12वें भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में गुरु का भाव है, मीन राशि यहां पर होती है, यहां पर शुक्रदेव उच्च के होते हैं, इसीलिए जो है यहां पर भी शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। विदेश की यात्राएं यदि करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए बेहतर है, तो शुक्र यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जब वृषभ राशि में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, तो सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, एक बेहतर स्थिति रहेगी, भाग्य भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, तो यहां पर भी एक बेहतर स्थिति है, अच्छी स्थिति है, शुक्र के अच्छे परिणाम तीनों महीने आपको देखने को मिलेंगे। बात करें मंगल के बारे में, जो कि पंचम भाव के भी मालिक है और आपके कैरियर के भी मालिक है, दशम भाव के भी मालिक है। पंचमेश आपके बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव पंचमेश है, दशमेश है, गोचर कर रहे अष्टम भाव में, यह स्थिति बेहतर नहीं है, अष्टम भाव में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है, और मंगल यहां पर जो है चोट चपेट जैसी स्थिति बना सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है, वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है, नहीं तो एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है। यहां पर मंगल सडल परेशानियां देने का काम करता है, रक्त से जुड़ी हुई परेशानियां आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, कुटुंब परिवार में भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो विवाद में स्थिति हो सकती है, पारिवारिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। मंगल यहां पर रहेंगे 23 अप्रैल तक, उसके बाद मंगल आपके चले जाएंगे भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मंगल की स्थिति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहां पर भी पूर्ण रूप से 100% शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु के साथ विराजमान रहेंगे तो अंगारक दोष भी बनेगा। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, कोई अचानक बड़ा लाभ यदि आपको मिल रहा है तो सोच समझ करके उसका लाभ ले, अन्यथा राहु यहां पर आपको फंसा सकता है।
क्योंकि अंगारक दोष जो है बुद्धि को भ्रमित भी कर देता है, तो यहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि की स्थिति भी यहां पर जड़त्व दोष बनाएगी। इसलिए आपको सावधान रहना है, सोच समझ करके आपको कदम उठाने की जरूरत रहेगी। मंगल एक शीघ्रगामी ग्रह है और ये हावी बना देता है, जल्दीबाजी में काम को खराब कर देता है। तो यहां पर कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे शिक्षा के लिए, शिक्षा, संतान और लॉ लाइफ के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है। 23 अप्रैल तक मंगल की स्थिति अष्टम भाव में रहेगी, तो शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, मन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, टेंशन हो सकता है, लव लाइफ को लेकर के भी मन मुटाव हो सकता है, स्थिति खराब हो सकती है, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है, खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इसमें नुकसान हो सकता है, सावधान रहने की आपको जरूरत है अप्रैल के महीने में। 23 अप्रैल के बाद जब मंगल भाग्य भाव में आएंगे तो कुछ स्थिति सुधरेगी, लेकिन 100% स्थिति यहां पर नहीं सुधरेगी, 50-50 यहां पर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। सावधानी पूर्वक यदि आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा में थोड़ी स्थिति में सुधार होगा, लव लाइफ में भी थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति में भी थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मंगल जब 1 जून को मेष राशि में आ जाएंगे तो यहां पर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो पूरा जून का महीना आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बेहतर है। कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो समय आपके लिए जून का महीना बेहतर है। कैरियर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, यदि आप नौकरी में है या व्यापार करते हैं तो व्यापार में ग्रोथ मिल सकती है, या स्वयं का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो मंगल आपको अच्छा सपोर्ट करने का काम करेंगे जून के महीने में, एक बेहतरीन स्थिति रहेगी। जून के महीने में यदि आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर स्थिति है। लव लाइफ की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता है। एक बेहतरीन स्थिति है जून के महीने में, क्योंकि मंगल पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। कंपटीशन में सफलता मिल सकती है, नई नौकरी का योग बन सकता है, तो ये लाभ आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगे। छठे भाव के मालिक है गुरुदेव। गुरु छठे भाव के भी मालिक है, आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं आपके कर्म के भाव में, दशम भाव में मेष राशि में। यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। एक बेहतर स्थिति है, यहां पर गुरु रहेंगे 1 मई तक, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर से संबंधित कोई खतरा नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैरियर के मालिक मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बदलाव करने का मूड होगा, द्वंद होगा, भारीपन लगेगा, मनमुटाव स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद कोई विशेष समस्या नहीं है, कैरियर आपका बेहतर रहेगा और गुरु यहाँ पर विराजमान है, एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। गुरु आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, गुरु की धन भाव में दृष्टि होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से भी लाभ देने का काम करेंगे और रोग ऋण को भी समाप्त करने का काम करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नई नौकरी का योग बनेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कैरियर की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। गुरु आपको अप्रैल के महीने में अच्छा सपोर्ट करेंगे और 1 मई को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए रहेगा, क्योंकि गुरु पूरे वर्ष भर जो है आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनेगा। जिनको संतान से जुड़ी हुई समस्याएं थी, तो संतान की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं था, तो वैवाहिक जीवन में भी राहत मिलेगी। धन से संबंधित कोई समस्या थी, तो वो समस्या भी दूर आपकी मई के महीने में और जून के महीने में होगी। मई और जून का महीना गुरु के लिए बेहतर है, गुरु आपको बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देंगे, नौकरी की स्थिति, कैरियर की स्थिति को भी बेहतर करेंगे, साथ ही साथ रोगों को भी दूर करेंगे, ऋणों को भी समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता भी देने का काम करेंगे। तो एक बेहतर स्थिति गुरु की मई और जून के महीने में रहने वाली, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते, 1 वर्ष के लिए गुरु आपके लिए बेहतर रहने वाले।
गुरु के बाद हम बात करेंगे शनि के बारे में, जो कि सप्तम भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। कर्क लगन की कुंडली में शनि देव जो है मारक होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं, और कर्क राशि वालों की अभी चल रही है ढैया, ढैया भी चल रही है, और मंगल के साथ शनि गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति बेहतर नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, मानसिक टेंशन बढ़ सकता है, बेचैनी आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। घर में क्लेश हो सकता है, पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मंगल जैसे ही 23 तारीख को भाग्य भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा राहत भी मिलेगी, लेकिन फिर भी अष्टम भाव की शनि स्वयं राशि में विराजमान है, स्वराशि में विराजमान है, तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ी परेशानियां नहीं देंगे, लेकिन हल्की फुल्की परेशानियां देने का काम जरूर करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत भी है। तो शनि की स्थिति जो है वो आपके लिए सामान्य रहने वाली है, उपाय भी आपको करना है। शनि के बाद हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, जो कि सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के मालिक है। धन भाव के मालिक सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए स्थिति यहाँ पर उतनी बेहतर नहीं है। सूर्य जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम तो देता है, लेकिन राहु के साथ युति अच्छी ना होने के कारण यहाँ पर सूर्य का आपको उपाय करना है। सूर्य रहेंगे 13 अप्रैल तक मेष राशि में आ जाएंगे, जैसे ही 13 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे उसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे, एक बेहतर स्थिति रहेगी, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ होगा, कहीं ना कहीं जो है जो लोग सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए काम करते हैं, सूर्य देव जो है 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी, धन में लाभ, आय में वृद्धि करेंगे। और अप्रैल मई जून तीनों महीने में सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, बेहतर स्थिति रहने वाली। जून के महीने में 15 जून को ये मिथुन राशि में चले जाएंगे तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 15 जून तक का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है, सूर्य जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य के बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो है आपके 12वें भाव के मालिक है, आपके 3रे भाव के मालिक है, और बुध का गोचर हो रहा है 10म भाव में। बुध यहां पर 9 अप्रैल तक रहेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी होगा, विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, और कोई भी कागज कार्रवाई करना चाहते हैं तो समय बेहतर। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जब ये मीन राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे, तो खराब स्थिति रहेगी, यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ये बेहतर स्थिति नहीं है, जड़ दोष बनेगा, जड़त्व दोष जिसे कहते हैं, बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है, बुध का उपाय करना है, नहीं तो बल पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी, आलस्यपन जो है बढ़ सकता है, कामकाज करने में मन भी कम लगेगा। बुध जो है 10 मई तक जो है मीन राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में, स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि नीच के भी हो जाएंगे। 10 मई के बाद पुनः जब ये मेष राशि में आ जाएंगे तो बेहतर स्थिति रहेगी, मई का महीना आपका बेहतर रहेगा, जून का महीना आपका बेहतर रहेगा, तो मई जून में बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है, 10 मई से लेकर के पूरे जून के महीने तक बुध का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में सहायता मिलेगी, आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा, स्वयं के कार्यों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, तो ये एक बेहतर स्थिति, बुध भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। राहु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, भाग में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में प्रगति देने का काम करेंगे, तो यहाँ पर राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, अचानक लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं, लेकिन कई बार आपको भ्रमित भी करने का काम करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके राशि पे पड़ रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति भी रहेगी, थोड़ा टेंशन भी रहेगा, तो राहु जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी दे सकता है। केतु की स्थिति आपके लिए बेहतर है, केतु यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर की यदि हम बात करें तो अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना,
तीनों महीने आपके लिए बेहतर है, एक अच्छी स्थिति है। मई जून के महीने में कुछ विशेष लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छी स्थिति है। यह एक सामान्य फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं घर बैठे ही। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893900।